हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वांट्स प्रो। मु सरोज आपन समस्त को पुणी थरे स्वागत करछि क्वांट्स प्रो रे। तो पिला माने ए वीडियो होछि नवम क्लास पिला मानक पई, जो माने 9th क्लास रे पढछन्ते से मानक पई होछि वीडियोटी। तो जदि आपन के 10th क्लास पिला वीडियोटी देखुछन्ते ताले प्लीज नवम क्लास पिला को शेयर कर दियंतु। तुमर जो छोटो भाई बहिनी माने अछन्ते से मानको वीडियोटी को शेयर कर दियंतु, एवं जो नवम क्लास पिला माने भी वीडियो देखुछन्ते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, एवं तुम सांग मानक सहित वीडियो को शेयर कर दियंतु। जदि वीडियो पसंद लागुछि तो वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु, ता सहित कमेंट सेक्शन रे कमेंट कर जणांतु। एवं जदि आपन मैक्सिमम पिला को शेयर करछन्ते, पिला जदि अधिक होबे देन आमे नवम क्लास रो वीडियो मध्ये कंटिन्यू करबा। आपनकर एग्जाम एबे आसी जाउछि तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। ता सहित नेक्स्ट ईयर आपनकर फोन 10th क्लास होबो तो सेति लागि कनेक्ट होइक रहंतु क्वांट्स प्रो सहित। प्लीज शेयर कर दियंतु चैनल को, वीडियो को शेयर कर दियंतु ऑल 9th क्लास पिला को। डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक अछि, आपन जे सेतरे जॉइन करछन्ते आमे क्विज करबा प्रोवाइड करबा सेतरे, तो डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि जाई जॉइन कर जानतु। तो आमे एठी अनुपात समानुपात दुईटा क्वेश्चन करवा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये। तो ये पिला असुविधा हो पा कि पिला कही चैप्टर करने चैप्टर स्टार्ट करुच्छे डायरेक्ट क्वेश्चन करुच्छी, कहीं बेसिक तो अलरेडी आप कम्प्लीट कर सारी जेहेतु, तो से आम डायरेक्ट क्वेश्चन करवा। जब बेसिक आपड़ जाना चाहते कमेंट सेक्शन कमेंट कले आम बेसिक करवा। तो 15 नंबर क्वेश्चन एड करवा, देख आमर देती स्मृति सृष्टि ठार् 2 वर्ष बड़, 10 वर्ष पूर्वे सृष्टि और स्मृतिर बयसर अनुपात 1:2 थी, बर्तमान से मानकर बयस के। तो देख एक भली क्वेश्चन करार बेस्ट वे कौन, तो फास्ट दे कौन देख क्या क्या भितर कंपेरिजन कर तुलना दे स्मृति सृष्टि ठार् 2 वर्ष बड़। तो ये बड़ किए स्मृति हूँ बड़, सृष्टि हूँ स्थान, सृष्टि ठारू 2 वर्ष बड़ हूँ स्मृति। तो ये आम मन कर नहीं जा मनकर सृष्टि बयस, मनकर सृष्टि बयस एक्स वर्ष ये नहीं गले फास्ट ये कर मन कर सृष्टि बयस एक्स वर्ष। अत स्मृति बयस के स्मृति बयस के देख जेहेतु सृष्टि बयस एक्स वर्ष हो गला, स्मृति कौन तुम 2 वर्ष बड़ होता है, स्मृति बयस के स्मृति बयस हो एक्स प्लस 2 वर्ष। ये जिनस तो बुझीपे आपने जहाँ भी किसी डाउट र बिना देउधार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पचारि परंतु आपण माने ता सहित जदि टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन कर जछन्ते से बेटर हबो, सेठी आपण माने डायरेक्ट पचारि परिबे। तो देखो ए हे गला एतिक जेंचो, तापर पुणे हमकु क्वेश्चन देइतला 10 वर्ष पूर्वे सृष्टि ओ स्मृति रो वयस रो अनुपात हमकु देइतला। तो फर्स्ट हम 10 वर्ष पूर्वे इठी सृष्टि रो वयस केता हबो, 10 वर्ष पूर्वे, 10 वर्ष पूर्वे सृष्टि रो वयस केता हबो, जदि तुम्हारा वर्तमान बयस हूँ 15 वर्ष, 10 वर्ष पूर्वे तुम बयस के 15 - 10 करदे तो 5 वर्ष थी 10 वर्ष पूर्वे। सिमिलरली ये आम करवा कौन 10 वर्ष पूर्वे सृष्टि बयस के, सृष्टि वर्तमान बयस एक्स वर्ष नहीं आम स्मृति बयस नहीं एक्स प्लस 2, तो 10 वर्ष पूर्वे से बयस के इयर हो एक्स माइनस 10 हो। सिमिलरली 10 वर्ष पूर्वे स्मृति बयस के, स्मृति बयस हम एक्स प्लस 2 माइनस 10 ये के ना एक्स माइनस 8 हो। पुनस्त आमको दे कौन से अनुपात दे, तो आम ये लिखिपर प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार आमको दे 10 वर्ष पूर्वे सृष्टि बयस हो जाए एक्स माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 वर्ष पूर्वे स्मृति बयसर अनुपात आमको क्वेश्चन देता के क्वेश्चन देता 1:2, तो एक्स माइनस 10 बाय एक्स माइनस 8 के 1:2 हम। तो आम या जब बज्रग्रहण कर कौन हो जाए 2x - 20 वज्रगुणन ये भाव हुए ये 2 जाए एक्स माइनस 10 सहित गुणन हम एवं एक्स माइनस 8 सहित 1 गुणन हम इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 हो। दैट इम्प्लाय एक्स जदि देख गोटे जिनस गोटे समीकरण जब आम पार्श्व परिवर्तन करवा बाम पटु डाहाण पटु को आनवा डाहाण पटु बाम पटु को आनवा तो कौन हम जहाँ भी साइन थी से चेंज हो प्लस थे माइनस हो माइनस थे प्लस हो इंटू होते डिजन हो डिजन होते मल्टीप्लाय हो जिनस बुझे हो। तो ये एक्स देख प्लस थी एपटे सी माइनस हो कौन 2x - x हो देख माइनस 20 एपट कौन होता है माइनस होता 20 सेपट गले प्लस हो तो 20 - 8 रहीगला तो 2x रु एक्स गले के एक्स 20 रु 8 गले 12 तो एक्स रू मूल्य के मिलगला 12 मिलगला। क्वेश्चन आमको पचार कौन क्वेश्चन पचार बर्तमान से बयस, बर्तमान से बयस आम एक्स वर्ष अति सृष्टि बयस के अत सृष्टि बयस,
ସୃଷ୍ଟିର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ଏକ୍ସ ବର୍ଷ, ତ ଏକ୍ସ କେତେ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା, ସୃଷ୍ଟିର ବୟସ ହୋଇଯିବ ଏକ୍ସ ମିଳିଯାଇଛି ବାର, ତ ସୃଷ୍ଟିର ବୟସ ହୋଇଯିବ କେତେ, 12 ବର୍ଷ। ସ୍ମିତିର ବୟସ କେତେ ହେବ, ସ୍ମିତି ତାଠୁ 2 ବର୍ଷ ବଡ଼, ତ 12 + 2 ତ 14 ବର୍ଷ। ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଗଲା ଆମର 12 ଆଉ 14। ଏତିକି ଜିନିଷ ବୁଝିହେଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖ, ତାପରେ ଆମେ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ, 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅନିଲ ଓ ସୁନୀଲର ବୟସର ଅନୁପାତ ଦେଇଛି ଆମକୁ 3:5, 5 ଥିଲା। 4 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଅନୁପାତ 5:7 ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର ବୟସ କେତେ। ଦେଖ, ଇଏ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ, ଦେଇଛି 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅନିଲ ଓ ସୁନୀଲର ବୟସ ଅନୁପାତ ଦେଇଛି ଆମକୁ 3:5। ତୁମେ ଏଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇଯା, ମନେକର 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅନିଲର ବୟସ ଥିଲା, ଅନିଲର ବୟସ ଅନୁପାତ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା କେତେ, ଅନୁପାତ ଦେଇଥିଲା 3:5। ତ ଅନିଲର ବୟସ ନେଇଯିବା ଆମେ 3x, ଏବଂ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସୁନୀଲ ବୟସ ନେଇଯିବା 5x। ଅନୁପାତ ଦେଇଥିଲା 3:5 ଦେଇଥିଲା, ତ ଆମେ ଆକୁ ନେଇଗଲେ 3x ଆଉ 5x। ଏତିକି ଜିନିଷ ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି? ଯାହା ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ବୁଝିହେଲା। ଆମେ ମନେକର ନେଇଗଲେ, ଦେନ୍ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ, 4 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଅନୁପାତ ହେବ 5:7। ତ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ବୟସ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣଙ୍କ ବୟସ 10 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତା ବୟସ କେତେ ହେବ, 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମେ ତା ବୟସ କହିପାରିବା, ସେ ହେବ 7 ବର୍ଷ, 3 ସେଥିରୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହେଲା 7 ବର୍ଷ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା 10 ବର୍ଷ। ଆମେ ଯଦି କହିବା 3 ବର୍ଷ ପରେ ତା ବୟସ କେତେ ହେବ, 3 ବର୍ଷ ପରେ ତା ବୟସ ହେବ 13 ବର୍ଷ ହେବ, ତ 7 ରୁ 13 ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 6 ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି ଜିନିଷ ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? 6 ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଠି ସିମିଲାର୍ଲି ସେମ୍ କେସ୍ ଆମେ ନେଇଛେ। ଦେଖ, 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ଆମେ ନେଇଯାଇଛେ 3x ଆଉ 5x। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ 4 ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ 4 ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ତା ପର 4 ବର୍ଷକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ 4 ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ 8 ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟୋଟାଲ। ତ ତାହେଲେ ସେ ଦେଇଛି ଆମକୁ, ଦେଇଛି ଯେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଅନୁପାତ। ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, 4 ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସରୁ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରୁଛୁ, 4 ବର୍ଷ ପରେ ଅନିଲ ବୟସ କେତେ ହେବ, ଅନିଲର ବୟସ ହେବ 3x + 8। 8 କେମିତି ହେଲା ବୁଝିହେଲା ନା? ଯଦି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାପରେ ବି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଆପଣ ସେଥିରେ ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେକି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ପଚାରିପାରିବେ। ତ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଅନିଲ ବୟସ ହେଲା 3x + 8, ସିମିଲାର୍ଲି 4 ବର୍ଷ ପରେ ସୁନୀଲ ବୟସ କେତେ ହେବ, ସୁନୀଲ ବୟସ ହେବ 5x + 8। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର କ'ଣ ଦେଇଥିଲା କି ଏମାନଙ୍କ ଅନୁପାତ ହେବ 5:7, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ 3x + 8 / 5x + 8 = 5:7 ବା 5/7। ତାକୁ ଦେଖ, ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିଦେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଛି, 7। ଏ 7 ଆସିକି 3x + 8 ସହିତ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ, 5 ଟା 5x + 8 ସହିତ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ, ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ 21x + 56 = 25x + 40। ତ ଦେଖ, 21x ସେପଟେ ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି, ସେପଟୁ ଗଲେ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, ସେପଟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା 25x - 21x = 56। 40କୁ ଏପଟକୁ ଆଣିବାର, ତ 56 - 40 ହେଇଯିବ, ତ ଏଠି 25x - 21x ଗଲେ ରହିଯିବ ଆମର 4x, 4x = 56 - 40 ଗଲେ ଆମର ହେଇଯିବ ଇଏ 16 ହେଇଯିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇ x = ହେଇଯିବ 4। 4 ଯାଏଁ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଗଲା, ତ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ଏଠି ଗଲା, ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି ମିଳିଗଲା ଆମକୁ କେତେ, 4 ମିଳିଗଲା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ପଚାରିଛି, କାହାର ବୟସ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ତ ଦେଖ, ଏଇଥିରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ବାହାର କରିପାରିବା, ବା ଏଇଥିରୁ 3x ଆଉ 5x ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ଯଦି 3x ନେଉଛେ, ତ ଅନିଲ ବୟସ କେତେ ହେବ, ଦେଖ ଅନିଲର ବୟସ କେତେ ହେଇଯିବ ନା
थ्री एक्स प्लस फोर हम ना कहीं बर्तमान बयस चार वर्ष पूर्व बयस हो थ्री एक्स तो बर्तमान बयस के चार मिसीज तो थ्री एक्स प्लस फोर हम तो ये के एक्स अच्छे चार तो चार तीन बार बार प्लस चार ये के षोह वर्ष तेल अनिल बर्तमान बयस के षोह वर्ष सिमिलरली सुनील बयस आम जो कह सुनील बर्तमान बयस सुनील चार वर्ष पूर्व बयस के फाइव एक्स थी तो बर्तमान कौन हम फाइव एक्स प्लस फोर हो तो फाइव इंटु फोर के ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस फोर ये के ट्वेंटी फोर ट्वेंटी प्लस फोर ये कहीं आम ट्वेंटी प्लस फोर इज इक्वाल टू ट्वेंटी फोर आंसर होगा आम षोह आ चबीस अनिल आ सुनील बर्तमान बयस के षोह वर्ष और चबीश वर्ष तो पाने जो भिडियो पसंद लगी तो भिडियो को लाइक कर दिखाँ सेयार कर दिखाँ और चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाए आपने जाए जॉइन कर दिखाँ तो थैंक यू आशा करूँ भिडियो पसंद लगी मैक्सिमम पिला सेयार कर दिखाँ तुम फ्रेंड जिते भी फ्रेंड अच्छे समस्त सेयार कर दिखाँ ये रिक्वेस्ट करूँ थैंक यू।